यहाँ पर देखिए तो इंटर मैट्रिक से लेकर इंटर तक का भी पेपर लीक हो रहा है। बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, हमारी नहीं रुकेगी। लाठी चार्ज हुई, दोबारा आंदोलन किए, नीतीश पे एक रोहा भर का फर्क नहीं पड़ा। किसी से नहीं छुपा है कि बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका पेपर आउट नहीं होता है। आंदोलन सीएम आवास और बीपीएससी आयोग जाने का काम होगा। बता के रहेंगे कि विद्यार्थी का ताकत क्या होता है, नीतीश बाबू आप ये जान लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, मैं हूँ तनुज मासूम। पटना साइंस कॉलेज से छात्रों का यह हुजूम चला था खजांची रोड होते हुए ये गांधी मैदान तक पहुँच गया। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया इनका हुजूम बढ़ता ही चला गया, एक कारवा बनता गया। लगातार ये छात्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि दरोगा परीक्षा में जो दरोगा बहाली परीक्षा में जो धांधली हुई थी उसका जांच सीबीआई करे। हमारे साथ आप देख सकते हैं किस तरह से छात्र यहां पर मौजूद हैं। जब 72 घंटे का समय दिया गया तो उसमें कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? हम लोगों की मांग यही है कि दरोगा परीक्षा का सीबीआई जांच हो। अगर अगर शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई कोई शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। यहाँ पर देखिए तो इंटर मैट्रिक से लेकर इंटर तक का भी पेपर लीक हो रहा है। बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, या आपको एस्क्वायर पुलिस हो या हमीर पुलिस हो, बिहार पुलिस में आपको 18 से 20 लाख रुपए देकर सबकी बहाली कराई जा रही है। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव बेरोजगारी यात्रा निकलने भाई, बेरोजगारी यात्रा ही हमारी नहीं रुकेगी। लाठी चार्ज हुई, दोबारा आंदोलन किए, नीतीश पे एक रोहा भर का फर्क नहीं पड़ा। 10 साल से इन्होंने शिक्षा को इस स्तर से इस स्तर पर लाकर रख दिया है। लेकिन हर एक मंच से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बहुत सुधरी है, बहुत अच्छी है। क्या बोल रहे हो? शिक्षा व्यवस्था यहाँ से ला दिया कि स्टूडेंट के हाथ में पिकड़ी, हमारे जो टीम है वो जूता पॉलिश पे उतर आए हैं। बेरोजगारी इस कदर बढ़ गए, एक भी एग्जाम सही से पढ़ने वाले की नौकरी नहीं होती है, जो जॉब कर रहे हैं उसकी जॉब हो जाती है। हम लोग का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी नहीं और दरोगा वाला एग्जाम रद्द नहीं होगा। लाठी खाएंगे फिर भी सीबीआई जांच कराएंगे और शिक्षा व्यवस्था सुधरवाएंगे। आगे कहां तक जाएंगे आप? नीतीश कुमार कह रहे हैं हम लोग बहुत अच्छी है। देखिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहती तो हम लोगों को सड़क पे नहीं उतरना पड़ता। आज हर क्षेत्र में आप लोग किसी से नहीं छुपा है कि बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका पेपर आउट नहीं होता है। हम माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि दरोगा परीक्षा को रद्द करें और सीबीआई जांच करवाए। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक पुलिस आप पर लाठीचार्ज करती है, मार खाते हैं। हम लोग को वैसे भी बेरोजगारी से बुरा हाल है। पुलिस का लाठी खाने से हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग वैसे भी बेरोजगार है। 4 फरवरी को लाठीचार्ज का प्रयोग किया गया था वो तो नीतीश कुमार की बर्बरता देखी गई, तालाशाही देखी गई। हम नीतीश कुमार से कहते हैं कि नीतीश कुमार को वोट करेंगे आप? अगर नीतीश कुमार की तलाशा ऐसे ही चलते रही तो हम लोग अगले चुनाव में जिस तरह दिल्ली में हरा है इस तरह बिहार में भी हराना पड़ेगा। अभी छात्र बेरोजगार है और जूता पॉलिश के लिए तैयार है। सारे हाथों में छात्रों के हाथों में देखिए बूट पॉलिश है रखा हुआ है। छात्र की ऐसी स्थिति है कि वो बूट पॉलिश के लिए तैयार है। हम कहते हैं जब 1700 ये परीक्षा रद्द नहीं किया गया तब ये आंदोलन लगातार चलेगी। आंदोलन पुलिस तौर पर लाठीचार्ज, अगला आंदोलन सीएम आवास और बीपीएससी आयोग जाने का काम होगा। ये आंदोलन रुकेगी नहीं और पुलिस लाठी चार्ज करके हटाएगी। 24 तारीख को बजट कितना लाठी चार्ज करेगा? लाठी चार्ज करेगा हम लोग जना गना मना गाना गाएंगे और गांधी नीति पे रहेंगे। गांधी नीति के विचारधारा को मानने वाले हैं, उसी विचारधारा पे चलेंगे। हम लोग हिंसा का नीति अपना चुके हैं। अब हम नीतीश कुमार हमारी बिहार सरकार को चैलेंज करते हैं, अगर स्टूडेंट के एकता पे आपको दम है तो रोक के दिखाए और लाठी चार्ज करके दिखाए। हम लोग का आंदोलन नहीं रुकेगी। नीतीश कुमार कहाँ तक जाएंगे? आपको यही रोक दिया। हम लोग आमरण अनशन करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार हमारी मांग नहीं सुन रही है। सरकार को ये बता के रहेंगे कि विद्यार्थी का ताकत क्या होता है, नीतीश बाबू आप ये जान लीजिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है। नीतीश कुमार उनका अगर हमसे डिबेट करें तो 10 दिन तक उनसे हम डिबेट करेंगे। क्या उन्होंने डेवलपमेंट किया है और कहाँ तक बिहार को दर्द मिलेगा? पहले भी आप लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, मार खा रहे फिर भी सड़क पर ही है। सड़क पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत परीक्षा का लिस्ट है। आपको बताएंगे ना तो कैमरा पे बताना मुश्किल हो जाएगा, इतना लिस्ट है परीक्षा का जिसमें धांधली हुआ है। परीक्षा रद्द नहीं होगी तो? परीक्षा नहीं रद्द होगी तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। विपक्ष के नेता से सरकार चाहे गोली चला दे हम पे, हम मरने के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, नरेंद्र मोदी जी,
हम लोग आपके बहुत ही चाहते हैं, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात तो आप आगे आए और बिहार की इस राजनीति में हस्तक्षेप। विपक्ष के नेता आपके साथ हैं क्या? नहीं, कोई नहीं साथ है। बेरोजगारी नीतीश कुमार को बिहार का बीजेपी मर चुका है। हम मोदी जी से आग्रह करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को यहाँ इंटरवीन करने के लिए बोले, हाई कोर्ट इंटरवीन करे, प्रधानमंत्री इंटरवीन करे और बिहार में ये कैश स्कैम चल रहा है छात्रों के साथ, उसको ला के आगे उजागर करे। हम लोगों का भविष्य हमारे गार्जियन देख रहे हैं कि बच्चा अब नौकरी करेगा और समय पर समय बीता जाता है, हर एग्जाम आता है और क्वेश्चन लीक होता है। ये क्वेश्चन लीक का मामला जब तक लगातार ये सड़क पर बने हुए हैं, पुलिस इन पर बल प्रयोग भी कर रही है। बीते दिनों दो बार बिहार बंद का आह्वान इन्होंने किया था, लेकिन इन पर लाठीचार्ज भी की गई थी, आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया था, लेकिन फिर भी ये छात्र सड़क पर डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं सरकार इनकी आवाज़ को अनसुना कर रही है। इस मामले की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।